ज्योतिष मित्रों, ओम नमः शिवाय। आइए, गुरु राशि परिवर्तन जो 6 अप्रैल 2021 को होने वाला है और गुरु अपनी नीच राशि को छोड़ करके अपनी सम राशि कुंभ राशि में प्रवेश करने वाले हैं, जहां ये 20 जून तक मागर्गी रहेंगे। उसके बाद ये वक्री होंगे और 13 जून तक वक्री अवस्था में रहते हुए 13 सितंबर तक वक्री अवस्था में रह करके यहीं पे विचरण करेंगे। 14 सितंबर को पुनः यहां से ये मकर में चले आएंगे। तो गुरु का जो दशम गोचर है, राशि के अनुसार भी हम देखेंगे और उसके बाद हम लग्न के अनुसार भी देखेंगे और फिर सबका सामंजस्य करेंगे, अंत में उपाय भी बताएंगे। वीडियो में बने रहेंगे और हाँ, डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे वीडियो की प्लेलिस्ट है, उसे आप खोल करके देख सकते हैं अपनी मनपसंद वीडियो। और देखिए, तो शुभ गोचर स्थान है ये। राशि से जब हम देखेंगे तो गुरु का यहाँ पे आपकी चंद्रमा 2 नंबर में है, तो आपका वृषभ राशि है या ये इस तरह से है, यहीं पे 2 नंबर लिखा हुआ है कुंडली के स्वभाव में, तो आपका वृषभ लग्न है। तो ग्रहों का गोचर इस समय मंगल और राहु यहीं पे है। चंद्रमा को हमने इसलिए डाल दिया कि यदि कुंडली में चंद्रमा है तो आप समझ जाएं कि वृषभ राशि है। बहुत सारे लोग नए हैं, वो नहीं जानते हैं, इसलिए बता दिया। जो 6 अप्रैल की ग्रह स्थिति है, शनि और चंद्रमा यहाँ रहेंगे, सूर्य बुध शुक्र यहाँ रहेंगे, केतु यहाँ है, गुरु यहाँ से यहाँ आ जाएंगे। तो ग्रहों की ये जो स्थिति बनी है, अंगारक दोष यहाँ पे अभी भी बना हुआ है। 6 अप्रैल तक जाते जाते अलग काफ़ी इसकी तीव्रता कम हो जाएगी, क्योंकि मंगल काफ़ी आगे निकल जाएंगे राहु से, तो अभी तीव्रता चल रही है। आज यदि वीडियो को सुनेंगे तो सावधान तो आपको रहना ही रहना है। ये सारे गोचर जो है, बुध का नीच भंग राजयोग बना हुआ है, शुक्र भी शुभ है, सूर्य भी यहाँ पे शुभ है, तो 14 अभी यहाँ से लेके 14 अप्रैल तक तो स्थिति आपकी, ये 3 ग्रह अच्छे हो गए, बहुत अच्छी स्थिति बनी हुई है। शनि अपनी राशि में अच्छा है, चंद्रमा यहाँ से जब यहाँ जाएंगे तो भी चंद्रमा का गोचर भी सुख होगा। सावधान आपको इसी मंगल से ही रहना है, मंगल विशेष अनिष्टकारी स्थिति में यहाँ पर हैं, इसलिए हनुमान जी का पाठ वगैरह करते रहिएगा और मंगल के दान करते रहिएगा। लाल मसूर आदि है, लाल कपड़े हैं, उससे लाभ प्राप्त होगा, अंगारक दोष का प्रभाव कम होगा, क्रोध होगा तो बढ़िएगा। दाम्पत्य जीवन में परेशानी आ सकती है, पत्नी बीमार भी हो सकती हैं, इस तरह की स्थितियाँ आती हैं, उसके लिए मंगल का ही उपचार आवश्यक है। विदेश आदि से कारोबार है तो उसके में भी परेशानी हो सकती है, तो सावधान रहिएगा। गुरु के बारे में हम फोकस करते हैं, तो गुरु राशि से देख रहे हैं कि शुभ गोचर स्थान में गुरु विचरण नहीं कर रहे हैं। इनका जो दुष्प्रभाव है, जो फल है, दशम राशि से, दशम चंद्रमा से दशम गुरु संचरण करने का, वो ये है कि धन कष्ट होगा, स्थान कष्ट होगा, नौकरी या ओहदे में कमी आएगी, सम्मान में कमी आएगी, ऐसे अशुभ फल ये गुरु यहाँ पे देने वाले हैं, क्योंकि काल पुरुष में ये नीच होते हैं और वैसे भी शनि की राशि में संचरण करना, वैसे तो यहाँ की अपेक्षा यहाँ पर आकर ये काफ़ी बलवान है, कोई अशुभ न तो राहु की दृष्टि है, न मंगल की दृष्टि है, और शनि की दृष्टि से ये बाहर हो चुके हैं, तो ताकतवर तो हैं। अब यह अष्टक वर्ग का गोचर निर्धारित करेगा कि यह गुरु संपूर्ण रूप से आपके लिए शुभ फल देंगे या अशुभ फल देंगे। तो चंद्रमा से हमने तो देख लिया अशुभ फल हो गए, फिर भी कुछ स्थानों के लिए थोड़ा बहुत राहत देने, जैसे भूमि भवन खरीदना चाहते हैं तो भूमि भवन खरीद सकते हैं, और उसके कारण क्या होगा, संचित धन यहीं पे आ जाएगा, भूमि भवन पे लग जाएगा, और क्या होगा तो धन कष्ट होगा, धन की कमी आ जाएगी, धन का कष्ट होगा, चूंकि गुरु की दृष्टियाँ तो अमृतमयी हैं, तो धन यहाँ भूमि भवन वाहन पे लगाएंगे और जब सूर्य यहाँ पे चले आएंगे तो माता बीमार भी हो सकती हैं, यहाँ से भी 1, 2, 3 सूर्य अभी अच्छे गोचर में है तो भी शनि की दृष्टि में है, तो यदि माता वृद्ध है, माता बीमार हो सकती हैं, बहुत अधिक परेशानियाँ हो सकती हैं, तो क्या होगा, धन का कष्ट होगा, या भूमि भवन वाहन खरीदने जाते हैं तो उसके लिए भी धन का कष्ट होगा, और ये स्थिति आ सकती है। और बहुत इधर उधर यदि करते रहे इधर, तो कार्यस्थल पे क्या होगा, अनुपस्थित रहेंगे तो वहाँ भी सम्मान निश्चित तौर पे नहीं होगा, अपने कर्म पे आप ध्यान नहीं लगा पाएंगे, यह भी एक स्थिति बनती है। यहाँ से नवी दृष्टि इनकी यहाँ पे पड़ती है, तो रोग रिपु ऋण आदि शुभ दृष्टि बढ़ा सकते हैं, तो कर्जा आदि आप ले सकते हैं, और भूमि भवन वाहन पे सबसे अधिक कर्जा लिया जाता है, तो चूंकि गुरु की दृष्टि है इसलिए कोई बहुत अधिक घबराने की जरूरत नहीं है, केंद्र में है, दृष्टियां बहुत खराब भावों पे इनकी नहीं पड़ रही।
अब अष्टक वर्ग क्या कहता है, अष्टक वर्ग के अनुसार हम देखेंगे कि सर्वाष्टक वर्ग में यहाँ पे कितने अंक है। यदि 28 से अधिक अंक हैं तो गुरु के गोचर को शुभ मान लेंगे। दूसरा देखेंगे कि गुरु के अष्टक वर्ग में 11 नंबर की राशि में कितने अंक मिले हुए हैं। यदि 4 या 4 से ऊपर अंक हैं तो गुरु शुभ गोचर में आ गए, तब ये धन भी देंगे, भूमि भवन वाहन वाला अच्छा कार्य भी हो जाएगा, और उसके बाद से बैंक आदि से लोन लेना चाहते हैं वो लोन भी आपको आसानी से मिल जाएगा, और उसके बाद से विवाह आदि करने की स्थिति में महिला जाति का है तो उसको भी सफलता प्राप्त हो जाएगी। दसवीं दृष्टि के कारण, चौथी दृष्टि के कारण ये मंगल और ये राहु का जो है, राहु का दुष्प्रभाव है वो भी कम होगा, शरीर का स्वास्थ्य उत्तम होगा, विवेक उत्तम ढंग से कार्य कर पाएगा, तो ये शुभ फल होंगे गुरु के। और भी गुरु त्रिकोण में किन किन भावों से होगा, तो अर्थ के त्रिकोण में है तो ये अर्थ खूब दिलाएंगे, पदवी भी दिला सकते हैं और वो पदोन्नति भी करा सकते हैं। कब? जब अष्टक वर्ग के अनुसार भी ये शुभ गोचर में हुए तब, नहीं तो फिर सावधान ही रहना। तो जब सावधान रहना है तो उपाय क्या करेंगे, आपकी राशि के अष्टमेश भी हैं तो उस हिसाब से देखेंगे कि लग्नेश आपका अष्टमेश होकर के दशम स्थान में आया है, तो लग्न कुंडली के हिसाब से देखेंगे अष्टमेश का दशम स्थान में जाना तो ये सारे जो अशुभ फल बताए गए वही होगा। इस स्थान की हानि तो वो नौकरी आदि में हानि होगी ही होगी, तो इसलिए सावधान रहना है। तो यहाँ आप गुरु के रत्नों को धारण नहीं कर पाएंगे, यदि गुरु की दशा चल रही है तो भी गुरु के रत्नों को धारण नहीं करेंगे। यदि आपकी वृषभ लग्न है तो टॉरस एसिडेंट है तो गुरु के रत्न पीला पुखराज को तो धारण नहीं करेंगे, सफ़ेद पुखराज धारण कर पाएंगे, वो चूंकि शुक्र के लिए आता है इसलिए, तो गुरु के लिए नहीं, गुरु को रत्न से बलवान देंगे और परेशानी बढ़ेगी। गुरु का उपासना करेंगे, ओम ग्रांग ग्रेंग ग्रौंग सह गुरु ये नमः पहला मंत्र, ओम ब्रेंग बृहस्पतय नम दूसरा मंत्र, इनको मानसिक रूप से जपते रहेंगे तो गुरु स्ट्रांग भी होगा, इसके शुभ प्रभाव में वृद्धि होगी, नेगेटिव प्रभाव कम होगा और इसमें कोई विशेष दोष भी नहीं लगता है। और अधिक अनुष्ठान करना चाहते हैं तो गुरु का दान कीजिए, पीला चना की दाल है, चने की दाल है, पीला कपड़ा है, सोना कौन दान कर पाएगा, तो चलिए चने की दाल सस्ती है, पीले रंग का केला है वो गाय को खिलाइए अथवा ब्राह्मण को दान दीजिए। कौन ब्राह्मण? जो संध्या गायत्री आदि करता हो, कम से कम एक को दो बार भी करता हो, ठीक ठाक वेशभूषा में हो, शिक्षक हो तो अच्छी स्थिति में है, उसे ब्राह्मण कहेंगे। पुजारी आदि हो मंदिर का, वो ब्राह्मण है, उसे देंगे तो गुरु प्रसन्न होते हैं, लाभ प्राप्त होगा, गुरु की अशुभता दूर होकर के शुभता में बदलेगी और आमदनी आपको मिलेगी और यहाँ से उम्र भी आपकी बढ़ेगी। तो ये उपाय आप करते रहेंगे, भगवान नारायण की उपासना करेंगे उससे भी लाभ होगा, शिव जी का रुद्राभिषेक करेंगे अथवा स्वयं जल से अभिषेक करेंगे उससे भी लाभ होगा। चैनल को अभी तक लाइक नहीं किया है तो क्या करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।